कोरोना संक्रमण को देखते हुए बागेश्वर में 500 बेड का नया अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। जिलाधिकारी रंजन राजगुरु ने बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। कोरोना संक्रमित मरीजों को बागेश्वर में ही सभी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी ने बताया कि मरीजों की संख्या बढ़ने पर कोविड केयर सेंटर की क्षमता बढ़ाई भी जा सकती है। डीएम ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों की सतर्कता व सावधानी से ही कोरोना महामारी से निजात मिल सकती है। देखिए, अभी जनपद में जो कोरोना संक्रमित जो केसों की संख्या है वो 21 है, और उसमें सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो 6 हमारे कोरोना संक्रमित जो पॉजिटिव व्यक्ति हैं वो डिस्चार्ज हो गए हैं, यानी वो ठीक हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं, तो ये भी एक राहत वाली बात है। तो अगर हम एक्टिव केस देखें तो अभी 15 हैं जनपद में, और भी सैम्पलिंग हुई है, रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और उसमें लगातार हम लोग हॉस्पिटल की क्षमता भी बढ़ाने पर कार्य कर रहे हैं, और अभी एक कॉन्सेप्ट है कोविड केयर सेंटर का, जिसमें माइल्ड केसेस का उपचार हो सकता, तो उस पर भी हम लोग अभी हमारी मीटिंग भी हो चुकी है और हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं। अभी हमारी जो पहले फेज़ में है तो हम लोग 500 बेड की क्षमता का कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं, जिसमें यदि हमें आवश्यकता पड़ती है, इन केस हमारे जो हॉस्पिटल में 20 बेड हैं, अगर उससे अधिक हमें एक साथ मरीज रखना पड़े तो हम लोग कोविड केयर सेंटर में उनका केयर करेंगे, उनका इलाज करेंगे। तो इसके लिए हमने अभी ही 500 बेड चिन्हित कर लिया, और आगे भी आवश्यकता अनुसार जिस हिसाब से अगर केस के जो आंकड़े होंगे तो उस पर डिपेंड करेगा, तो हम लोग फ्यूचर में और भी बेड इसमें चिन्हित कर सकते हैं, उस भी रणनीति पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी जैसा बताया था कि मैक्सिमम उसमें मुंबई की ट्रैवल हिस्ट्री है, और एक दो व्यक्ति की हरियाणा की है और दिल्ली की है, लेकिन मैं दोबारा से यही कहूँगी लोगों से कि इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे 6 मरीज ठीक भी हो गए हैं, और जिला अस्पताल में भी अब हमारे जो मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है, लेकिन जो सतर्कता है उसमें हमें कहीं ढिलाई पर नहीं करनी है, हमें पूरा सतर्क रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचना है। तो ये सब जो सतर्कता है वो उसमें कोई भी चूक नहीं करनी है, उसमें लगातार हमें ध्यान देना है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना किसी अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप देख रहे हैं कि जैसा कि पहले लोगों को पता है कि पहले कल हमारी ये संख्या 5 थी जो रिकवर हुए हैं, आज 6 लोग रिकवर हो गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोरोना पेशेंट जो है वो ठीक भी हो रहा है, तो ये राहत वाली बात है। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप घबराएं नहीं, लेकिन सतर्कता पूरी बरतें, भाड़ में जाने से बचें, स्पिटिंग इधर उधर ना करें, और जो भी SOP जारी होती है उसका कड़ाई से अनुपालन करें, तो निस्संदेह हम लोग इसमें विजय प्राप्त करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।